नाम रूप गुण लीला का स्वाद जिन भाग्यशाली जीवों को मिल जाता है। प्रारब्ध के अनुसार भयंकर कष्ट आने पर भी उनका कष्ट कष्ट नहीं रह जाता है, वो कष्ट ही उनका सुख बन जाता है। भगवान से विमुख प्राणी है उनका अनुकूल सुख भी दुख बन जाता है, और भगवान के समर्पित भक्त उनकी प्रतिकूलता भी उनका सुख बन जाती है। कुंती के जीवन में कितनी प्रतिकूलता आई, लेकिन वो प्रतिकूलता ही सुख बन गई। विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या दपुनल भव दर्शनम। एक बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं। भगवान करे कभी ऐसा न हो, भयंकर कोई सड़क दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, तो उस काल में किसी को हंसी आ सकती है क्या? जिसके साथ घटना घटे वो हंस सकता है क्या? कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति बताए जो हंस सकता हो तो बताए। ये शरीर आपके सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है। जिस समय हमारी भयंकर सड़क दुर्घटना हुई उस समय हम खूब जोर से हंसे। गोरखपुर से लखनऊ आ रहे थे, रायपुर में कथा होनी थी, लखनऊ से फ्लाइट पकड़ना था, और गोरखपुर से हम लोग चले गीता वाटिका से, आगे की सीट पर बैठे थे। वो भवितव्यता ऐसी होती तो ऐसे होता, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले शायद। वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो भी कुछ पिए हुए था, उसका दिमाग ठीक नहीं था, फिर भी हम लोगों को फ्लाइट पकड़नी थी तो उसी गाड़ी में बैठ कर भवितव्यता थी। और हाईवे पर 130, 135, 140 की रफ्तार पर इनोवा गाड़ी चल रही थी, और बीच में जो क्रॉस होता ना, रोड में क्रॉसिंग होती ना बीच में हाईवे पर फोर लाइन पर, तो उस क्रॉसिंग में एक ट्रक उस क्रॉसिंग से इधर आ रहा था, बड़ा ट्रक, और एक लोडेड ट्रक रोड के एक सहारे खड़ा था, और गाड़ी में बैठे हुए प्रायः लोग सब सो रहे थे, हमको कम सोने का अभ्यास है, हम आगे की सीट पर बैठकर जग रहे थे, और गाड़ी के मीटर की ओर हमारी दृष्टि गई तो 130 पर मीटर था, और हम समझ गए कि ये ट्रक यहां खड़ा है, लदा हुआ ट्रक, बड़ा ट्रक, और इधर से ट्रक आ रहा है। बीच में इतनी कम जगह है कि ये गाड़ी संतुलित हो नहीं सकती है, टक्कर होनी है, और इस टक्कर में कोई बचेगा, मृत्यु निश्चित है, ये पक्का होगा। तो तत्काल जीव के कल्याण का साधन क्या है? एक ही साधन है, राम नाम। एक क्षण में भीतर से निर्णय हो गया, और मन ही मन नहीं जोर से राम 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 ऐसे हम बोलने लगे, और राम राम बोलते ही गाड़ी धड़ाम से जाकर खड़े ट्रक में टकराई। इतने जोर से टकराई कि एक बार टकराकर पीछे हुई, फिर टकराई, फिर पीछे हुई, फिर टकराई, तीन बार टकराई। और सारी चोट हमारे ऊपर थी, और हम राम राम बोल रहे थे, तो तीन बार की टक्कर में भी प्राण नहीं निकले तो हमको जोर की हंसी आ गई, तो हम खूब जोर से हंसने लगे कि देखो राम नाम की कैसी महिमा है कि इतनी भयंकर टक्कर में तीसरी बार में भी मरे नहीं,
इसके बाद बेहोशी हो गई, चोट इतनी थी कि बेहोशी तो वो नहीं थी। फिर जो भी हुआ चिकित्सा हुई, उस क्षण में मूर्छा की भी अवस्था में भगवान की स्मृति बनी रही, जगे तो भगवान की स्मृति थी। और इसके बाद जब ब्रज में आए तो हमारे अभिभावक संत रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, बोले अब आपकी अव्यवस्थित यात्राएं बंद, आपको एक साल तक बाहर नहीं जाना है। बिल्कुल ठीक, एक वर्ष तक ब्रज के बाहर नहीं गए। इतने महापुरुषों का दर्शन हुआ, जगतगुरु शंकराचार्य जी से लेकर के भारतवर्ष के प्रायः सभी महापुरुष जहां हम थे वहीं सब कोई ना कोई मिलने देखने आए, सब मिलने आए। हम घूम घूम के साल भर में इतने महात्माओं का दर्शन नहीं कर सकते थे जितना हमको पड़े पड़े हो गया। और एक वर्ष का ब्रजवास मिला, वह इतना भारी कष्ट आया था और वह कष्ट केवल और केवल भगवान की स्मृति की महिमा से, वो कष्ट भी चित्त पर प्रभावी नहीं हुआ। आज भी हम आपके सामने बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष श्री राम नाम का प्रताप है। हम राम राम करते हैं ऐसी बात नहीं है, ना हम भजन करते हैं ना हम राम राम करते हैं, ना हमारा जैसा प्रेम भगवान में होना चाहिए ना वैसा हमारा प्रेम है, लेकिन झूठे हो अपने प्राण के लोभ से भी, अपने कल्याण की इच्छा से भी राम राम करने की ये महिमा है कि हम आपके सामने बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। भगवान की स्मृति से प्राणांतक कष्ट भी सुख के रूप में बदल जाता है, क्योंकि सुख दुख की अनुभूति करने वाला मन है, और मन जब श्री ठाकुर जी में लग जाएगा तो दुख की अनुभूति नहीं रह जाएगी। इसलिए भैया संतों के जीवन में आप कभी संदेह न करें। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।